हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू असाइनमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट। मैंने तो पिछले जो वीडियो में दिया था आप लोगों को, यानी फिर से दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। एक बार तो पूरा मैंने समझा है आपको पढ़ के अच्छी तरह से, नेक्स्ट टाइम ये दूसरे टाइम भी मैं आपको क्या है कर रही हूँ फिर से एक बार और रिवाइज करती हूँ। जो मैंने इसके पहले की वीडियो दी उसमें क्वेश्चन 4 ए तक मैंने समझाया है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज नंबर 4B। फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग टू एंड मी अस यू हिम हर और देम करेक्टली। एग्जाम्पल, यू फॉलो द एग्जाम्पल। दैट कार इज theirs, इट belongs टू them। जैसे their है तो वहां पर them लगाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल बताया है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। दोज बुक्स आर माइन, दे बिलोंग्स टू मी। क्या लिखेंगे? दे बिलोंग्स टू मी। नंबर 2, दैट हाउस इज आवर्स, इट बिलोंग्स टू अस। नंबर 3, दिस प्रॉपर्टी इज theirs, इट बिलोंग्स टू them। नंबर 4, द स्कूटर इज yours, इट बिलोंग्स टू यू। क्या होगा? दैट स्कूटर इज yours, इट बिलोंग्स टू यू। नाउ नंबर 5, दिस बैट इज हिज, इट बिलोंग्स टू हिम। नंबर 6, दैट कंप्यूटर इज हर्स, इट बिलोंग्स टू हर। नंबर 7, दीज बैग्स आर theirs, दे बिलोंग टू them। नंबर 8, इट इज योर बुक, इट बिलोंग्स टू यू। नंबर 9, दे आर हर बुक्स, दे बिलोंग्स टू हर। क्या मानेगा? दे बिलोंग्स टू हर। नंबर 10, दिस ऑफिस इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी। नंबर 11, दिस इज माय बुक, इट बिलोंग्स टू मी। नंबर 12, दोज शर्ट्स आर योर्स, दे बिलोंग्स टू यू। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4C, मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विथ द राइट प्रीडिकेट्स इन कॉलम बी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। यूनिट 5, नंबर 1, इन कॉलम ए, नंबर 1 द टीचर, 2 काउज, 3 दोज गर्ल्स, 4 द कॉक। इन कॉलम बी, ए आर डांसिंग, बी इज क्रोइंग, सी गिव अस मिल्क, डी इज टीचिंग। नाउ वी मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, बट राइट हियर ओनली। क्या है यहाँ? इंडेक्स लेटर जो दिए हैं, जो लेटर है वही लेटर लिखना है हमें, इसको यहाँ पर जगह नहीं है आंसर के लिए। तो जो है वही वो लिखेंगे जो उसके लेटर है। द टीचर इज टीचिंग, सो राइट हियर डी। ये किसे मैच करता है? डी से इज टीचिंग, सो राइट हियर डी। 2 नंबर काउज, काउज के साथ आएगा गिव अस मिल्क, तो यहाँ लिखेंगे सी। 3 नंबर, दोज गर्ल्स आर डांसिंग, हियर राइट हियर ए। नंबर 4, द कॉक इज क्रोइंग, 4 के साथ लिखेंगे वी। 1D, 2C, 3A एंड 4B। नंबर 2,
In column A, number 1, the beggar, 2 lazy people, 3 camels, 4 this dog. Now in column B, A, do not work, B, does not bite, C, is begging, and D, are useful in deserts. Now number 1, the beggar, इसको लिखेंगे, is begging, तो 1 के साथ आएगा C. Now number 2, lazy people, do not work, so 2 with A. Lazy people do not work. Camels के साथ क्या आएगा? Are useful in deserts. D, तो 3 with D. And 4, this dog does not bite. So 4 with B. Now answer once again. 1 to C, 2 to A, 3 to D, and 4 to B. Now matching जो करेंगे, third number पे आते हैं. Now column A, in column है, A में है, the boy is 1, 2 she, 3 V, and fourth number, Mala and Bella. In column B, A knows swimming, B are together, C are laughing, D can jump. Number 1, the boys, are laughing, the 1 to C. She ke sath kya likhenge? Knows swimming. She knows swimming. So 2 to A. Number 3, we can jump. 3 to D. And number 4, Mala and Bella kyaega are together. Now 1 to C, 2 to A, 3 to D, and 4 to B. Now unit 8, exercise number 4D. Arrange each group of words in the proper order to make a sensible sentences. Arrange karne hai, example ko hum follow karenge. Met we teacher our yesterday. To likhenge, we met our teacher yesterday. Kaisa banega? We met our teacher yesterday. We met our teacher yesterday. इसी तरह हम अपने जिससे बनाएंगे, हम इसको जो एग्जाम्पल को फॉलो करके नंबर 1 का आंसर लिखेंगे. यहाँ है गार्डनर द वॉटर्ड प्लांट्स द, तो क्या बनेगा पहले? द गार्डनर वॉटर्ड द प्लांट्स. द गार्डनर वॉटर्ड द प्लांट्स, यहाँ भी ऐसे लिखा है द गार्डनर वॉटर्ड द प्लांट्स. नंबर 2, फ्लाइंग अशोक काइट वॉज, इसमें क्या बनेगा? अशोक वॉज फ्लाइंग अ काइट, क्या बनेगा? अशोक वॉज फ्लाइंग अ काइट. अशोक वॉज फ्लाइंग अ काइट. नंबर 3, वॉन्ट आई टेबल दैट, इसका क्या होगा? आई वॉन्ट दैट टेबल. I want that table. I want that table. Number 4, my lost brother pen. तो यहाँ बनेगा my brother lost a pen. My brother lost a pen. Number 5, goes Kashmir every he summer too. यहाँ होगा he goes, यहाँ से लेंगे he goes to Kashmir every summer. He goes to Kashmir every summer. Number 6, carrying is postman the letters. यहाँ बनेगा postman is carrying the letters. क्या बनेगा? Postman is carrying the letters. Number 7, many tells grandmother as stories. बनेगा grandmother tells us many stories. Grandmother tells us many stories.
नंबर एट बुक आर रीडिंग यू आर, यहाँ होगा यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। नंबर नाइन अ न्यू हाउस रिच मैन बॉट द, लिखेंगे द रिच मैन बॉट अ न्यू हाउस, क्या लिखेंगे द रिच मैन, गिरा देखो यहाँ से लेंगे द रिच मैन बॉट अ न्यू हाउस। ओके यूनिट 14 एक्सरसाइज नंबर 5 है, राइट द क्वेश्चंस टू विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द आंसर्स, क्या है हमें जो आंसर दिए हैं उनके क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, एग्जांपल्स फॉलो करेंगे। नंबर वन यस गीता हेल्प्ड हर मदर यस्टरडे, अभी क्या है इसको अपने क्या करेंगे इसको क्वेश्चन बनाएंगे, तो डिड गीता हेल्प हर मदर यस्टरडे, ईडी है वो निकल जाएगा इसका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, डिड गीता हेल्प हर मदर यस्टरडे। टू नंबर नो राम डिडंट कम लास्ट नाइट, क्वेश्चन है डिड राम कम लास्ट नाइट, डिड राम कम लास्ट नाइट। नाउ आंसर वन है हमें क्वेश्चन बनाना है इसका, यस टॉम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, डिड टॉम आंसर ऑल द क्वेश्चंस, डिड टॉम आंसर ऑल द क्वेश्चंस। टू नंबर नो कासिम डिडंट बाय द न्यू ट्राउजर्स, क्वेश्चन डिड कासिम बाय द न्यू ट्राउजर्स, डिड कासिम बाय द न्यू ट्राउजर्स। नंबर थ्री यस हिज सन ब्रॉट द न्यूज, डिड हिज सन ब्रिंग द न्यूज, डिड हिज सन ब्रिंग द न्यूज। नंबर फोर यस वी मेट द टीचर इन द पार्क, डिड यू मीट द टीचर इन द पार्क, डिड यू मीट द टीचर इन द पार्क। नंबर फाइव नो द डॉग डिडंट बार्क लास्ट नाइट, नो द डॉग डिडंट बार्क लास्ट नाइट, क्वेश्चन डिड द डॉग बार्क लास्ट नाइट, डिड द डॉग बार्क लास्ट नाइट। नंबर सिक्स यस द फार्मर प्लाउड हिज फील्ड यस्टरडे, डिड द फार्मर प्लाउ हिज फील्ड यस्टरडे, डिड द फार्मर प्लाउ हिज फील्ड यस्टरडे। नंबर सेवन नो बेला डिडंट वॉक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, डिड बेला वॉक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, डिड बेला वॉक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। एक्सरसाइज नंबर 5B लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट What each of the following helpers does or makes? क्या करते हैं जैसे जो helpers के बताई कि picture वो क्या करते हैं और क्या बनाते हैं, choose the answers from the bracket given below, जो bracket दिया गया है नीचे उसको क्या है उसमें से जो कहेगा correct answer उसको choose करना है। Now unit 33 इसी का ये बताया है, यहाँ bracket है क्या है कार्व्स स्टैच्यूज, मैंस टैप्स एंड पाइप्स, टेंड्स अ फ्लॉक ऑफ शीप, रिपेयर्स शूज, टेक्स केयर ऑफ पीपल्स टीथ, बिल्ड्स वॉल्स, मेक्स फर्नीचर।
हियर एग्जांपल इज गिवन हियर. एग्जांपल है ए कारपेंटर, बता है पिक्चर. अ कारपेंटर मैक्स फर्नीचर. अ कारपेंटर मैक्स फर्नीचर. अब इसी तरह हम क्या है नंबर वन पिक्चर को फॉलो करेंगे. देखिए यहाँ पर डेंटिस्ट है, ये जो है पेशेंट के टीथ को ध्यान दे रहा है. यहाँ लिखेंगे अ डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ पीपल्स टीथ. क्या करता है अ डेंटिस्ट टेक केयर ऑफ पीपल्स टीथ. ये ब्रैकेट में से लिखेंगे हम. नाउ इन पिक्चर टू, पिक्चर टू में देखो क्या बता है. प्लम्बर है ये. अ प्लम्बर मैंड्स टैप्स एंड पाइप्स. अ प्लम्बर क्या करता है, मैंड्स रिपेयर भी करता है. क्या करता है, टैप्स और क्या करता है, एंड पाइप्स. अ प्लम्बर मैंड्स टैप्स एंड पाइप्स. नंबर थ्री है या स्कल्पचर है, ये जो मुजस्मे बनाता है, जो बनाता है उसमें से मूर्ति बनाता है. तो स्कल्पचर क्या करता है, कार्व्स स्टैचूज. पुतले बनाता है. अ स्कल्पचर कार्व्स स्टैचूज. नंबर फोर, अ ब्रिक लायर. ब्रिक लायर है, मैसन है. ये क्या बनाता है, बिल्ड्स वॉल्स. अ ब्रिक लायर बिल्ड्स वॉल्स. नंबर फाइव, अ शेफर्ड जो गवाला होता है क्या करता है, टेंड्स अ फ्लॉक ऑफ शीप. क्या करता है, अ शेफर्ड टेंड्स अ फ्लॉक ऑफ शीप. नंबर सिक्स, अ कोबलर क्या करता है, रिपेयर्स शूज. अ कोबलर रिपेयर्स शूज. नाउ यूनिट नंबर 29, एक्सरसाइज 5C. राइट द फॉलोइंग कमांड्स अगेन यूजिंग प्लीज एट द बिगनिंग और एट द एंड. जो नीचे कमांड्स दिए गए हैं उनके बिगनिंग में प्लीज लगाना है या तो उसके एंड में लगाना है. मैंने सबके बिगनिंग में लगाया है. नंबर वन, राइट दीज वर्ड्स. मैंने यहाँ लिखा है प्लीज राइट दीज वर्ड्स. नंबर टू, आंसर माय क्वेश्चन. मैंने यहाँ लिखा है प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. नंबर थ्री, रीड द लास्ट लेसन. प्लीज रीड द लास्ट लेसन. नंबर फोर, शट द डोर. प्लीज शट द डोर. नंबर फाइव, कम हियर. प्लीज कम हियर. नंबर फाइव, कम हियर. प्लीज कम हियर. नंबर सिक्स, ओपन योर बुक्स. प्लीज ओपन योर बुक्स. यहाँ मैंने सब में है जो बिगिनिंग में लगाया है प्लीज लगाया, आपको भी ऐसे ही लिखना है. ब्रिंग दोस पेंस. प्लीज ब्रिंग दोस पेंस. नंबर एट, सिंग दैट सॉन्ग अगेन. प्लीज सिंग दैट सॉन्ग अगेन. नंबर नाइन, रिंग द बेल. प्लीज रिंग द बेल. नंबर टेन, लिसन टू मी. प्लीज लिसन टू मी. नंबर इलेवन, लीव दिस रूम. प्लीज लीव दिस रूम. नंबर ट्वेल्व, डोंट कॉपी दीज वर्ड्स. प्लीज डोंट कॉपी दीज वर्ड्स. नंबर थर्टीन, डोंट सी हिम टूडे. प्लीज डोंट सी हिम टूडे. नंबर फोर्टीन,
pass the salt. Please pass the salt. Number 15. Help that man. Please help that man. Number 16. Don't laugh. Please don't laugh. Number one, write. May I read once again this exercise? Number one, write these words. Please write these words. Two number, answer my question. देखिए यहाँ पर A मैंने small कर दिया है, तो ये ओनली P का है, पहले first letter ही capital लिखना है, और जो इसका यहाँ पर capital है उसको यहाँ small बनाना है. तो please answer my question. Number three, read the last lesson. प्लीज देखो मैंने आर ई यहाँ आर स्मॉल लिखा है, बीच में आया यहाँ स्मॉल लिखना है. प्लीज कैपिटल का पी हैगा, यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा. प्लीज प्लीज रीड द लास्ट लेसन. नंबर फोर, शट द डोर. प्लीज शट द डोर. नंबर फाइव, कम हियर. प्लीज कम हियर. नंबर सिक्स, ओपन योर बुक्स. प्लीज open your books. Number 7, bring those pens. Please bring those pens. Number 8, sing that song again. Please sing that song again. Number 9, ring the bell. Please ring the bell. Number 10, listen to me. Please listen to me. 11, leave this room. Please leave this room. Number 12, don't copy these words. Please don't copy these words. Number 13, don't see him today. Please don't see him today. Number 14, pass the salt. Please pass the salt. 15, help that man. Please help that man. Number 16, don't laugh. Please don't laugh. Exercise 5D, the last exercise hai. Fill in the blanks with the correct word from those given in the bracket. जो bracket में words दिए हैं उनको लेकर हमें क्या करना है, जो blanks हैं उनको fill up करना है. ये 28 chapter में से unit में से लिया गया है. In bracket words are foolish, strange, tortoise, easy, middle, spot, flying people. Flying people, enough, opened, beaks, and shouting. Number one है a tortoise. यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देखिए tortoise and two geese once lived on a lake. जाएगा यहाँ पर tortoise लिखेंगे, यहाँ से ढूंढ के कहाँ लिखा हुआ है tortoise, ये रहा यहाँ लिखना है. A tortoise and two geese once lived on a lake. Number 2, 1 year there was not enough rain and the lake became dry. So right here enough, यहाँ क्या लिखेंगे, enough. 1 year there was not enough rain and the lake became dry. Number 3, it was easy for the geese to fly. So write here easy, E-A-S-Y, easy. It was easy for the geese to fly. Number 4, you hold the ends of the stick in your beak.
Number 4, you hold the ends of the stick in your beak. Number 5, the tortoise held the middle of the stick in the mouth. Number 5, the tortoise held the middle of the stick in his mouth. Number 6, they were now flying over a town. यहाँ आएगा flying. Number 6, they were now flying over a town. Number 7, men, women and children came out of their houses and saw the strange sight. यहाँ से पस लेके लेने का है strange sight. Number 7, men, women and children came out of their houses and saw the strange sight. Number 8, they started shouting and clapping. Number 9, the foolish tortoise opened his mouth. The foolish tortoise opened his mouth. Now number 10, why are the people shouting like that? Number 10, why are the people, so write here people, shouting like that? Number 11, as soon as he opened his mouth, he lost, क्या है, hold of the stick. क्या है number 11, as soon as he opened, अब यहाँ लेके क्या है ब्रैकेट में से लेंगे, opened his mouth, he lost hold of the stick. Now number 12, down he fell and died on the spot. Number 12 है, down he fell and died on the spot. देखो जो मैंने एक्सरसाइज सब बता दी आपको, 5D तक पेपर में आएंगे, और मैंने जो इसका फॉर्मेट है वो फॉर होमवर्क के तौर पे देती हूँ, उसको देख के फॉर्मेट में जैसा है ऐसे ही पेपर है, उसको फॉर्मेट को ही फॉलो करना है. और क्या करना है, उसको फॉर्मेट को देख के ही आपको होमवर्क करना है. मैं एज द होमवर्क जो है वो फॉर्मेट देती हूँ, फॉर्मेट देखकर जो मैंने क्वेश्चन जो पूरी एक्सरसाइज बताई है उसके मुताबिक ही पेपर है, और उसी को हमें क्या है अच्छी तरह से फॉलो करना है, और हमें अच्छे मार्क्स क्या है इन ग्रामर ऑब्टेन करना है, और अच्छे गुड हैंडराइटिंग में मेरे पास पेपर लेकर आने हैं, और तुम्हें मैं अच्छे मार्क्स दे सकूं ऐसा पेपर बनाकर लाना है. ओके.